हेलो दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम द एबंडेंट प्रिंस के एपिसोड 2 को नैरेट करेंगे, पर उससे पहले हम एपिसोड 1 के रिकैप देख लेते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा प्रिंस उन कुछ लोगों से डर के भाग रहा था, पर वह जल्द ही पकड़ा जाता है और उसके पास उसे बचने का कोई रास्ता नहीं था। पर वह किसी तरह चालाकी करके उनके एक मेंबर को मार देता है, जिसे उनको बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो उसे तड़पा तड़पा कर मार रहे थे। तभी वहाँ पर कोई एक लड़का फ्यूचर से आता है और उन सभी को ही मारकर प्रिंस चोन की हेल्प करता है। उसके बाद वो लड़का प्रिंस चोन के गले में एक इंजेक्शन लगाता है, जिस वजह से प्रिंस चोन के शरीर में नैनो मशीन आ जाती है। पर अपने अंदर से एआई की वॉइस सुनकर प्रिंस चोन पूरा ही डर गया था। और यहीं पर ही पिछले एपिसोड खत्म हुई थी, और अब हम एपिसोड 2 के नरेशन शुरू करेंगे। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि बहुत समय पहले जियांगू के फाइटर्स ने मार्शल आर्ट सीखना शुरू करा ताकि वो खुद को और अपने परिवार को दुश्मनों से बचा पाए। जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों ने मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल दुश्मनों को मारने में करने लगे। मार्शल आर्ट्स फिर और भी ग्रो होते होते सोफिस्टिकेटेड और कॉम्प्लेक्स बन गया, जिसमें सिंपल फॉर्म सीरीज मूवमेंट्स बन गए और ब्रीदिंग टेक्निक्स को इंटरनल एनर्जी के तौर पर रिप्रेजेंट किया जाने लगा। लोगों ने फिर अपने टीचिंग्स और टेक्निक्स को फ्यूचर जनरेशन को पास करते रहे ताकि मार्शल आर्ट्स और भी इवॉल्व होता रहे। जिन लोगों ने मार्शल आर्ट्स को मास्टर कर लिया था वो आम लोगों से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे और उन्हें मुरिम पीपल कहा जाता था। जो फाइटर्स मुरिम पीपल के नक्शे कदम पर चलना चाहते थे उन लोगों ने क्लास को तैयार करना शुरू करा, और वह क्लास डिवाइड हो गए फोर्सेस ऑफ जस्टिस और इविल में, और इनके बीच में एक और ग्रुप तैयार हुआ जिनका भला या फिर बुराई से कोई लेना देना नहीं था, उन्हें बस स्ट्रेंथ चाहिए थी। इन्हें पूरी दुनिया डिमोनिक कल्ट के नाम से बुलाने लगी, और इस डिमोनिक कल्ट के हार्ट टैंकिंग फैमिली का नाजायज वारिस है प्रिंस चियोन। उसके बाद हमें दिखाया जाता है प्रिंस चियोन को, जिसे कि अभी अभी होश आया था, पर मैं श्योर हूँ मेरे पेट को शोर से फाड़ दिया गया था। आखिर क्या हुआ था और मुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है? आखिर मेरे ये शरीर पर काले काले निशान क्यों बन गए हैं और मुझ में से इतनी बदबू क्यों आ रही है? तभी एआई कहता है कि आप जाग गए मास्टर। प्रिंस चियोन एआई की वॉइस सुनकर डर जाता है और कहता है कौन है यहाँ पर? यहाँ पर आसपास तो कोई नजर नहीं आ रहा, क्या यह टेलीपैथी है? पर नहीं, मैंने ये पहले भी सुनी है, पर वो अलग था। ऐसा लग रहा है उसकी आवाज़ मेरे दिमाग के अंदर से आ रही है, पर आखिर मेरे सर में से कोई आवाज़ कैसे आ सकती है? एआई कहता है आप सही कह रहे हैं मास्टर। प्रिंस चियोन कहता है मैं फिर से पूछ रहा हूँ, आखिर तुम कौन हो? एआई कहता है मेरा काम है मास्टर के ब्रेन को सपोर्ट देना, मैं स्काई कॉरपोरेशन का 7th जन नैनो चिप हूँ, इसलिए हम इसे नैनो ही बुलाएंगे। प्रिंस चियोन कुछ भी समझ नहीं पा रहा था और कहता है क्या आखिर तुम ये सब क्या कह रहे हो, और आखिर तुम हो कौन और मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? नैनो कहता है मैं 7th जन नैनो चिप मशीन हूँ। प्रिंस चियोन कहता है नैनो मशीन मतलब अब इविल गॉड है? प्रिंस चियोन ऐसा इसीलिए कह रहा है क्योंकि उसने मशीन को मशीन सुना है, जिसका मतलब इविल गॉड होता है। प्रिंस चियोन सोच रहा होता है क्या ये इविल गॉड की बात कर रहा है जिनकी पूजा डिमोनिक कल्ट करती है, या आप सच में इविल गॉड है? फिर हमें वॉरियर जेंग को दिखाया जाता है, जो कि डॉक्टर बाय को लेकर आया था प्रिंस चियोन का ट्रीटमेंट करने। डॉक्टर बाय कहते हैं क्या ये एक असैसिनेशन अटेम्प्ट था? जेंग कहता है आपने सही कहा, आए दिन असैसिनेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं। डॉक्टर बाय कहते हैं ये किसी चमत्कार से कम नहीं कि प्रिंस चियोन वहाँ से बचकर वापस आ पाए। जेंग कहता है कि मुझे लगता है प्रिंस चियोन की किसी ने मदद करी है, पर मैं नहीं कह सकता कि आखिर किसने हेल्प करी है। डॉक्टर बाय कहते हैं क्या तुम वहाँ के निशानों को देखकर कोई गेस कर सकते हो? जेंग कहता है वेल, मैंने अपने सामने जो कल देखा वो काफ़ी टेरिफाइंग था। ज़मीन पर लोगों के लोअर बॉडी पड़ी हुई थी पर अपर बॉडी गायब थी, और ये लोग कोई आम लोग नहीं थे, ये लोग डिमोनिक कल्ट के मेंबर्स थे। उन सब में बस एक ही आदमी के पास पूरा शरीर था, जिसका सर में एक डैगर घुसा हुआ था जो कि मैंने प्रिंस चियोन को दिया था। तभी अचानक से मुझे किसी के सांस लेने की आवाज़ सुनाई थी, और मैं देखता हूँ कि वहीं पर ही पास में प्रिंस चियोन खून से लथपथ होकर पड़े हुए हैं। मैंने उन्हें तुरंत ही पहचान लिया, पर डॉक्टर बाय कहता है पर क्या उसके शरीर में कोई भी घाव नहीं थे? जेंग कहता है बिल्कुल सही, उनके सांसें ऐसे चल रही थी जैसे कि वो सो रहे हो, उनके कपड़े क्लियरली फटे हुए थे शॉट की वजह से, पर प्रिंस के शरीर में एक भी स्क्रैच नहीं था। डॉक्टर बाय सोच रहे थे आखिर कौन मदद कर सकता है, कल्ट लीडर तो खुद को इस समय इन्वॉल्व नहीं करेगा। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, पर जो भी हो रहा है ये सब काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चलो मुझे जल्दी से प्रिंस चियोन के कमरे तक ले चलो। यहाँ पर प्रिंस चियोन नैनो को कह रहा था क्या वो आप ही थे जिसने मेरी जान बचाई थी गॉड? नैनो कहता है अगर आप उसकी बात करें जिसने आपकी जान बचाई थी दुश्मनों से तो वो मैं नहीं था, पर अगर आप कह रहे हैं जिसने आपके शरीर को सेल्फ हीलिंग मोड में डाला था तो हाँ वो मैं ही था। प्रिंस चियोन कहता है आखिर ये सेल्फ हीलिंग मोड क्या है?
नैनो फिर जल्दी से इन्फॉर्मेशन प्रिंसियन के दिमाग में भेजना शुरू करता है और सर्च करता रहता उन शब्दों को जो कि सेरा में और कल्चर में यूज करी जाती थी। नैनो कहता है, मास्टर मैं कोई इविल गॉड नहीं हूँ, जिसके बात आप कर रहे हैं। प्रिंसियन कहता है, तुम्हारे टोन अचानक ही काफी बदल गई, पर अगर तुम इविल गॉड नहीं हो तो तुम कौन हो? नैनो फिर कहता है, मैं आपको जल्दी से जल्दी बेसिक इन्फॉर्मेशन और मैनुअल भेज रहा हूँ ताकि आप समझ पाएं कि आखिर मेरा इस्तेमाल कैसे किया जाता है। क्या आप इस इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट करना चाहेंगे? तो प्रिंसियन हाँ कहता है। तभी अचानक से प्रिंसियन को उल्टी होने लगती है। नैनो कहता है, एक नेचुरल रिएक्शन है, जब पहली बार इन्फॉर्मेशन ब्रेन में रिसीव होती है तो कुछ ऐसा ही होता है, नेक्स्ट टाइम से ऐसा और नहीं होगा। पर प्रिंसियन का सर घूम रहा था और वो कहता है, आखिर यह क्या हो रहा है? नैनो मशीन्स, तो क्या सच में मेरे शरीर में हजारों नैनो मशीन्स लगे हुए हैं? नैनो कहता है, हाँ आप सही कह रहे हैं, स्पेसिफिकली कहूँ तो आपके शरीर में भी इतने मशीन्स लगे हुए हैं। प्रिंसियन सोच रहा था, आखिर ये क्या है? ये ना ही इंसान है और ना ही भगवान। अगर मैं चाहूँ तो क्या मैं तुम्हें मेरे शरीर में से निकाल सकता हूँ? नैनो कहता है, नहीं। नैनो कहता है, आपने देख ही लिया होगा जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको भेजी है, मुझे ऐसा प्रोग्राम किया गया है, मुझे तभी बाहर निकाला जा सकता है जब आपकी डेथ हो जाएगी। प्रिंसियन सोच रहा था, मेरे सो कॉल्ड हाफ ब्रदर्स, वो सभी मुझे मारने के लिए डेस्परेट बैठे हुए हैं, और अब एक अनआइडेंटिफाइड नैनो मशीन मेरे शरीर के अंदर है, आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? प्रिंसियन फिर नैनो को कहता है, अच्छा मुझे ये बताओ, आखिर तुम्हें मेरे शरीर में डाला किसने? तभी जैंग डॉक्टर बाइक को लेकर पहुंच जाता है। प्रिंसियन नैनो को कहता है, तुम बिल्कुल चुप ही रहना, नहीं तो लगेगा कि मैं पागल हूँ जो कि अपने सर से ये बातें कर रहा है। नैनो कहता है, मैं आपका थॉट्स को रीड करके भी कम्युनिकेट कर सकता हूँ। प्रिंसियन कहता है, ठीक है मैं समझ गया, ज़्यादा बातें मत करो और चुप रहो, और नैनो खुद को टेम्पोरेली साइलेंट मोड पर डाल देता है। उसके बाद जब जेंग और डॉक्टर बाइक अंदर आते हैं तो उन्हें लगता है कि प्रिंसियन सो रहा है। जेंग जाकर उसे धीरे से उठाता है और कहता है, प्रिंस उठिए, पर आखिर आपके शरीर में से ऐसी बदबू क्यों आ रही है? डॉक्टर बाइक फिर कहते हैं, प्रिंसियन तुम्हें याद है हम पहले मिल चुके हैं? प्रिंसियन कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, आप ही तो थे जो कि मेरे मॉम को देखने आए थे जब वह बीमार थी। डॉक्टर बाइक कहते हैं, मैं तुम्हारे पल्स को चेक करना चाहता हूँ, मुझे अपना हाथ दो। डॉक्टर बाइक चेक करके कहते हैं, ये तो बहुत ही अजीब है। जेंग कहता है, क्या हुआ डॉक्टर, क्या प्रिंस के साथ कुछ गलत हुआ है? डॉक्टर बाइक कहते हैं, नहीं, ये उसका ऑपोजिट है, ये प्रिंस के लिए बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी है। प्रिंसियन पूछता है, आखिर आप क्या कह रहे हैं? डॉक्टर बाइक कहते हैं, तुम्हारा ये शरीर अंदर से पूरा क्लीन हो चुका है और तुम्हारी एनर्जी फ्लो भी एक्टिवेट हो चुकी है, क्या तुमने किसी तरह की कोई दवाई ली थी? प्रिंसियन ये सुनकर चौंक जाता और कहता है, माफ़ कीजिए, पर आप क्या कह रहे हैं मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर बाइक कहते हैं, तुम्हारे पास अब एक परफेक्ट शरीर है मार्शल आर्ट के ट्रेनिंग के लिए। प्रिंसियन ये सुनकर सोचने लगता है, तो ये सारे काले धब्बे मेरे शरीर के अंदर की गंदगी है। प्रिंसियन अपने मन में ही पूछता है, क्या ये सब तुमने ही किया है नैनो? नैनो कहता है, आपके शरीर में जितने भी नैनो मशीन्स हैं उन्होंने आपके पूरे शरीर में से गंदगी को एक्सट्रैक्ट कर लिया है और आपके नसों को, जोन्स को और मांसपेशियों को रिसेप किया है ताकि आपका यह शरीर एक परफेक्ट शरीर बन पाए। प्रिंसियन कहता है, आखिर तुम क्या हो? क्या तुम श्योर हो तुमको इविल गॉड नहीं हो? नैनो कहता है, मैं कोई इविल गॉड नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक मशीन हूँ मास्टर। और इसका दूसरा एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। तो दोस्तों, ये था द एबंडेंट प्रिंस का एपिसोड 2। कमेंट करके बताना कि तुम्हें मेरी नरेशन और इसके एपिसोड 2 कैसी लगी, और अगर तुम्हें मेरे एफर्ट्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अगर ऐसे एपिसोड्स को मिस करना नहीं चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। तो चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। Feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.